आज हम रिवील करने वाले हैं वो दो चीजें जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा मतलब नहीं रहेगा क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है <laughs> पर आज हम कुछ ऐसा रिवील करेंगे ना जिसको देखकर हर गार्डनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तो आइए 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 देखते हैं क्या है इनमें ओ पतिया ए पत्तियों ताश की नहीं पेड़ की मुझे ना ताश वास खेलना नहीं आता ये सब फालतू की चीज लगता है मुझे इसीलिए मैं पेड़ पौधे के पत्तियों से ही खेलती हूँ इनको हटाई के हम नहीं फेंकने वाले हैं हम इसको जमा करके इसको मिक्स कंपोस्ट बनाने वाले हैं आओ 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 देखो हमारा पत्तों का कंपोस्ट ब्लैक ना कभी कभार एक शुभ रंग भी होता है हर गार्डनर के लिए तो होता ही है क्योंकि ब्लैक अशुभ तब होगा जब कोई ड्रेस आप पहनोगे और कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त होगा पर हम गार्डनरों के लिए ना ये पत्तियाँ जब एकदम से ब्लैक कंपोस्ट बन जाएगी ना तब देखना इतना खुश हो जाता है मन कि पूछो ही मत आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दिखाते हैं हम हमारा ये ट्रेजर ये देखो भर भर के ट्रेजर आधा ही है कोई बात नहीं एक्चुअली इसमें है मिट्टी और मिट्टी में मिला हुआ है गोबर ये तो मेरा फेवरेट है ओ, और और इसमें ये देखो काला काला सोना

हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गार्डनर फ्रेंड इंडिया तो चलिए 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 स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे पेड़ लगाने का या पौधे लगाने का ए टू जेड तरीका जिससे आपके पौधे बढ़ेंगे अच्छी तरह से और फलों से फूलों से आपका बागीचा और आपका दिल खुशी से भरा रहेगा हमारे पास आज है एक नया पौधा एक नया टॉप नया नहीं पुराना टॉप है ये जो भी हो अब नया ही है नया पौधा लगने वाला है तो नया ही है वहाँ पर है क्या कहते हैं उसको ए पौधा आज तुम एक नए पॉट में जाने वाले हो कैसा लग रहा है कैसा लगता है अच्छा लगता है अच्छा क्यों नहीं लगेगा बहुत दिनों से बेचारा फिर भी पैकेट में है तो इसको नया पॉट मिल रहा है तो इसे तो फील गुड होगा ही तो इसको पॉटिंग करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ इसको नहीं कोई भी पौधा अगर आप पॉटिंग करेंगे पौधा का पॉटिंग आज हम दिखाएंगे ए टू जेड तो हमारे पास क्या चाहिए और आपके पास क्या नहीं है आप वो सब देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आपको एक नया पौधा वो नर्सरी से ला के या फिर किसी भी जगह से ला के आप फिर उसको रिपोर्ट कर सकते हो ओके okay? तो जो है हमारे पास है एक नया पौधा जो पिछले कुछ दिन पहले आया था हमने दिखाया भी था इसको मिली भग नहीं लगा था फिर भी हमने दिखाया था वीडियो में इसको तो पहले तो किसी जगह से इनको ला के आप अपने गार्डन में कुछ दिन रखिए ये नहीं है कि जब भी लाएंगे तभी एकदम से रिपोर्ट कर देंगे उसको इस एनवायरनमेंट से थोड़े से घुल मिल जाना चाहिए फिर उसको एक नया पॉट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए आपको ओके तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लाए और तुरंत इसको बिठा दिया किसी भी पॉट में तो इसके लिए हमें चाहिए ये देखिए हमारा सोना काला सोना मिक्स्ड फर्टिलाइजर ये है हमारा सैंड ये है हमारा नया सा पुराना सा नया सा पुराना सा पार्ट और इस पार्ट में एक छेद है दिख रहा है जरूर दिख रहा है तो इस छेद को इसमें हम इतना छेद करेंगे नहीं एक ही छेद काफी है इस छोटे से पॉट में तो इस छेद को ढकने के लिए ये एक छोटा सा आ, इसको ना एक वेवी सा पॉट का ही टुकड़ा है आपके पास ज़रूर होगा क्योंकि पॉट तो टूटता ही है मिट्टी का पॉट और ये पॉट टूटने के बाद जो वेवी एक टुकड़ा है वो चाहिए हमें वेवी टुकड़ा चाहिए वेव होना ज़रूरी है ओके ये है हमारा पानी और मेरे पीछे है सबसे ज़रूरी चीज़ वो है मिट्टी और मेरे हाथ में है कैंची नहीं चाकू तो हम काटने जा रहे हैं केक नहीं पीपी ये पौधा भी ना सोचता होगा मेरे गार्डन में आके हर एक पौधा एक ही बात सोचता होगा पहली बार आके कि किसके हाथ लग गए हम फिर दो दिन जोते जोते आपको मेरी नेचर से ना एडजस्टमेंट हो जाएगा तब कहीं और जाके ही ना इनको एडजस्टमेंट नहीं होगा ओके <laughs> okay. ये ना केक जैसा दिख रहा है मैं इतनी कर हूं मुझे देख के लगता नहीं है पर मैं जो भी देखती हूँ ना मुझे खाने का मन करता है <laughs> अभी मैं मिक्स फर्टिलाइजर के साथ मिट्टी मिलाने वाली हूँ वो भी देख के मुझे कभी कभार खाने का मन करता है कि ये अगर मैं खा पाती तो कितना अच्छा होता का नंबर वन में मुझे लेना चाहिए था पर लिया नहीं क्योंकि मैं खा नहीं पाती हूँ खाने का मन करता है पर खा नहीं पाती हूँ आ जाओ आ जाओ आजा आजा मैं महगढ़र तेरा अब इस पीपी पैकेट का जो मिट्टी है वो हम यहाँ पर रखेंगे फेंकेंगे नहीं मुझे तो ये लगता है कभी कभार इसको धो के जो मिट्टी बचता है वो भी रख देंगे क्योंकि छत में तो मिट्टी लाना कितना मुश्किल है आप लोगों को पता ही है अगर आप लोगों के पास मिट्टी अवेलेबल है तो कुछ और बात है पर हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है और इसीलिए तो छोड़ो इसको हमने फ्री कर दिया इसको नंगा कर दिया ओके, <laughs> okay. आओ हमारा मेजरमेंट क्या इस, इसको क्या कहते कब तो नहीं कहेंगे हम इसको मग मेजरमेंट मग। ओके, okay. अब सीरियस बातें होगी हाँ आओ मिट्टी <laughs> ये चाहिए आपको दो डब्बा ये एक लीटर का डब्बा है तो हम इसे एक के मान सकते हैं कि एक किलो ओके तो ये चाहिए हमें दो डब्बा अरे दो डब्बा ये क्या है देखा गंदगी गंदगी चाहिए मिट्टी आ जाता है किसी पेड़ का पुराना सा रूट्स वो नहीं चाहिए ए रूट्स तुम भागो यहाँ से तुम नहीं चाहिए लो दो डब्बा हमने ये मिट्टी डाला और एक डब्बा हमने फर्टिलाइजर लिया देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइजर ब्लैक ब्लैक हो गया हमारा काम अब इसमें हम अब कुछ नहीं मिलाएंगे ओके बस इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे अपने हाथों से और अगर ज़्यादा हो गया तो अपने हाथों से मिलाना तो पॉसिबल नहीं है तो इसमें आप कुलारी या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए ये है हॉर्न डस्ट डस्ट नहीं बना है हॉर्न है तो पापा वो वाला हॉर्न नहीं सींग वाला हॉर्न तो ये डस्ट नहीं बना है पर ये धीरे धीरे मिल जाएगा पौधा जब बड़ा हो जाएगा तब ये मिट्टी के साथ एकदम मिक्स्ड हो जाएगा ये किसी ये का पौधे का रूट है तो बस हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया मिला दिया मिला दिया हम्म ये मिल गया हमारा एकदम सा तड़क सा खाना हम्म अब देखिए ये है एक मिट्टी का पॉट अब ये पॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस छोटे से पौधे के लिए छोटे से मिट्टी का पॉट ही काफ़ी है ओके तो हमारे पास बड़ा सा मिट्टी का पॉट भी है ड्राम भी है पर हम उसमें ये नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको ये छोटा है तो इसके लिए छोटा ही जरूरत है इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको ओके इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिन बात कर लेंगे तो आज जो दिखा रहे थे वो दिखाते हैं ये जो है इसको हम खिलान कहते हैं तो ये यहाँ पर रख देते हैं फिर से रख देते हैं हाँ हाँ अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सैंड आ सैंड हाँ मेरी बेटी रो रही है मेरी बच्ची एक मिनट बहुत एक मिनट दो मुझे अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी को थोड़ा सा हाँ ओके हो गया अब इसको एकदम समान कर देंगे ताकि ये पौधा बैठ पाए ठीक से इसको बिठाना जरूरी है तो हम ऐसे अब पॉटिंग करने जा रहे हैं हो गया कंप्लीट इसका बॉडिंग नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक तो, <laughs> अभी तो मिट्टी डालना बाकी है डालो मिट्टी डालो मिट्टी डालो मिट्टी डालो मिट्टी डालो हाँ ये बात आप ध्यान में रखना कि इसका रूट में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो क्योंकि इसका रूट अब सेंसिटिव है तो अब हमें इसमें मिट्टी डालना पड़ेगा ये जो मिक्स फर्टिलाइजर है ना ये बहुत काम आता है और ये कैसे बनता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे ओके ऐसे ही काम करना पड़ता है एक मम्मी को अपनी बच्ची रो रही है पर अब हम उसे शांत नहीं कर पाएंगे अब जाएंगे ना तो और ज़्यादा रोएगी मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि बच्ची रो रही है फिर भी मान नहीं जा रही है एक्चुअली मैं जाऊँगी तो ज़्यादा रोएगी तो इसे छोड़ के ही हमें पोटिंग करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि पॉटिंग कैसे करेंगे हाँ हुँ। हुँ। अब ये देखिए ये बैठ गया ठीक से तो ये देखिए ये इसका जो पास वाला पोर्शन है ये ऊंचा है और ये दूर वाला जो पोर्शन है यानी कि पॉट के पास वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा नीचा है तो यहाँ पर हम जब पानी डालेंगे और नीचा कर देते हैं ताकि पानी डाल सके तो यहाँ पर पानी डालेंगे भरपूर मात्रा से और जो थोड़ा बहुत ऊंचा है तो वो बैठ जाएगा कुछ तो दिन बाद एकदम से समान हो जाएगा उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ये थोड़ा बच गया हमारा मिट्टी हम दूसरे जब पेड़ लगा, लगाएंगे तब तो उसमें ये तब उसमें ये डाल देंगे तो हो गया हमारा रिपोर्टिंग अब हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हमसे कमेंट किया था कि उनके पौधे में ग्रोथ नहीं आ रहा है तो इसके लिए वो क्या करे क्या फर्टिलाइजर डालें या फिर क्या करे तो हम कहते हैं कि अगर ऐसे आप ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करके आप पेड़ पौधे को लगाएंगे तब आपका पौधा ऐसे ही बड़ा हो जाएगा इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब के वो ग्रोथ हार्मोन टाइप कोई फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है पर अगर 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 इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका ग्रोथ नहीं ले रहा है कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार मेराकुल स्प्रे कर सकते हो तो वो एक एम पर लीटर आप स्प्रे कर सकते हो तो यही था आज का वीडियो उससे पहले हम पानी डाल देते हैं इसको इसको पानी की जरूरत है ओके <laughs> okay, चलिए हम पानी डालते हैं पर यहाँ नहीं यहाँ अगर पानी गिर जाएगा ना तो ये मिट्टी भीग जाएगी तो से हमें सुखाना पड़ेगा हमारे तो यहाँ ऐसे ही बारिश होती रहती है चलो मैं कितनी बेवकूफ हूँ बैठ के तो मैं ऐसे <laughs> यहाँ से वहाँ कर सकती थी धीरे से पानी डालिए ओके अब ना पेड़ आपने लगाया है वो नाजुक है अभी उसका रूट्स उसका जो सब कुछ है वो नाज़ुक है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो टाइम है वो उसे देना पड़ेगा ताकि वो खुल मिल जाए आपके बागीचे के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले आप लाएंगे एक ये पौधा तब उसे थोड़ी दिन थोड़े दिन आपके गार्डन से लगाव होना चाहिए तो जब ना आप ये पानी डालेंगे ना धीरे धीरे पानी डालना पड़ेगा इसको बहुत प्यार से पानी डालना पड़ेगा ओके इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना पड़ेगा पर उतना भी ज़्यादा नहीं ये देखिए इसको हमने पानी दिया और ये पानी सोक कर रहा है इसको बहुत प्यास लगी थी और ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप तो हो गार्डनर तो यही था आज का हमारा वीडियो चलिए आपको कैसा लग रहा है नए बोट में आके कल जरूर हमें बताइएगा कल रिव्यू दीजिएगा ओके तो यही था हमारा वीडियो ये सो बार बोल चुकी हूँ यही था हमारा वीडियो जो भी हो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको पॉटिंग करके और इसका फूल बहुत ही क्यूट है विस्कस ट्री तो हमें बहुत पसंद है पर मुझे फूलों से ज़्यादा फलों से लगाव ज़्यादा है तो और आम क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है फूल तो खा नहीं पाते हैं कौन से फूल खा सकते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको विस्क्री कैसा लगता है या फिर आम का पेड़ कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है शेयर बनता है तो एक लाइक कमेंट शेयर और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 प्लीज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये तो हिविस का स्ट्रीम भी बता रहे हैं आप लोगों को बता दो बता दो हाँ हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ओके टाटा खुश रहिएगा